वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं प्रीति शर्मा, लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट, और आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं BLIS का, जिसका नाम है कॉल नंबर। तो कॉल नंबर हम डिस्कस करेंगे कि कॉल नंबर होता क्या है और इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और इसकी क्या भूमिका होती है लाइब्रेरी साइंस में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉल नंबर क्या होता है। कॉल नंबर, जिसे हम हिंदी में क्रमांक नंबर बोलते हैं, क्रमांक संख्या बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये एक्चुअली किसी भी किताब की आईडी होती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये किताब है जिसका टाइटल है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, और इसकी कॉल नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 02.5 25.31 SH233। तो इसका ये कॉल नंबर है जिसे हम एक आईडी कह सकते हैं कि ये बुक की आईडी होती है, जिसके माध्यम से हम किताबों को सर्च करते हैं लाइब्रेरीज में। क्योंकि लाइब्रेरीज में हम देखते हैं कि किताबें लाखों की संख्या, हज़ारों की संख्या में होती हैं, तो अगर हम इस कॉल नंबर के माध्यम से ही किताबों को उस हज़ारों की संख्या में से निकाल कर अपने यूज़र्स को दे सकते हैं आसानी से। तो ये कॉल नंबर की भूमिका होती है। और बात करें कि अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की, तो कॉल नंबर एक प्रकार से, जैसे हमारे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा इनरोल होता है, तो उसका एक इनरोलमेंट आईडी जनरेट होती है, जिसे हम इनरोलमेंट आईडी बोलते हैं। तो इनरोलमेंट जो नंबर होता है किसी भी स्टूडेंट का, तो उससे उसके सारे डिटेल्स के बारे में मालूम चलता है कि उसने किस वर्ष इनरोल किया है, किस कोर्स में इनरोल किया है, क्या नाम है, या जो भी डिटेल्स होती हैं। तो उसी प्रकार से हमारा जो यूनिवर्सिटी की, मतलब स्टूडेंट को इनरोलमेंट इशू होता है, उसी प्रकार से सेम हमारे कॉलेज में, सॉरी हमारे लाइब्रेरीज में जो किताबों को आईडी नंबर जनरेट होता है, उसे हम कॉल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये कॉल नंबर के इक्विवेलेंट होता है, और इसी से हम किताबों के एड्रेस के बारे में बता सकते हैं कि किताबों के एड्रेस कहाँ पे रखा है किताब, और साथ साथ उसके लोकेशन के बारे में हमें मालूम चलता है, और उसकी ऑथर कौन है, उसकी मतलब पब्लिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें कॉल नंबर के माध्यम से मालूम चलती हैं। और अब बात करते हैं कि कॉल नंबर क्या है, ये क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं कि कॉल नंबर क्यों ज़रूरी होता है। तो कॉल नंबर हम बात करें तो जो फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हमारे डॉक्टर एसआर रंगनाथन सर द्वारा दिए गए हैं, तो उन फाइव लॉज को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो वो कौन कौन से लॉ हैं देखते हैं। जैसे कि बात करें हम फाइव लॉज की, तो ये फाइव लॉज को पूरी तरह से सिद्ध करते हैं, पूरी तरह से। क्योंकि पहला जो लॉ है हमारा कि बुक्स आर फॉर यूज, किताबें उपयोग के लिए है। तो अगर हम किताबों को ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखेंगे, तो वो कैसे हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यहीं पे हमारे सिद्ध होती है कि हम बुक्स आर फॉर यूज, यानी कि प्रत्येक अगर हम किताब को कॉल नंबर देते हैं, तो किताबें हमारी प्रयोग में लाई जा सकती हैं। तो ये हमारा जो पहला लॉ है, बुक्स आर फॉर यूज, ये हमारा सिद्ध होता है। उसी प्रकार से एवरी रीडर हिज और हर बुक, यानी कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तो सेम इसमें भी हमारा जो कॉल नंबर है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि कॉल नंबर अगर हम किसी किताब को देते हैं, तो उस कॉल नंबर की वजह से उस पर्टिकुलर एड्रेस तक हम पहुंच सकते हैं कि ये किताब हमारी कहाँ पे स्थित है, और उस पर्टिकुलर एड्रेस से पहुँच कर हम उस किताब को आसानी से दे सकते हैं यूज़र को अपने। तो ये हमारा सेकेंड लॉ को भी फुलफिल करता है कि बुक्स एवरी बुक हिज और हर रीडर। और अगर हम बात करें इस थर्ड लॉ की कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, यानी कि तो उसके लिए भी सेम है कि अगर हम किताबों को ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखेंगे, तो प्रत्येक पुस्तक को उसके पाठक तक कैसे पहुंचाएंगे। अगर हम बात करें फोर्थ लॉ की कि सेव द टाइम ऑफ यूजर, सेव द टाइम ऑफ यूजर, तो इसमें हम यूज़र का ही नहीं, अपनी लाइब्रेरी
लाइब्रेरी जो स्टाफ हैं उनका भी टाइम सेव करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास से अगर बुक रिटर्न होके भी आती है तो किताबों को सबसे बड़ा मतलब काम होता है कि उसे प्रॉपर स्टैक में जमाना। तो अगर हमारे पास कॉल नंबर होगा, इसके माध्यम से हम किताबों को सही पोजिशन पे लगा सकते हैं, जहाँ से हमने उठाई थी वहीं पर हम उसे एज इट इज लगा सकते हैं। तो कॉल नंबर हमें मतलब इशू करने के साथ रिटर्न के बाद जो रोल होता है किताबों को अरेंज करना लाइब्रेरी में, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कॉल नंबर के बारे में था कि कॉल नंबर क्या होता है, उसके मतलब की रोल क्या है और ये किस तरह से 5 लॉज को फुलफिल करता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं कि 5 लॉज जो हमारे कॉल नंबर है, कॉल नंबर में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो कॉल नंबर की बात करें तो कॉल नंबर में हमारे जनरली 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है क्लास नंबर, दूसरा है बुक नंबर और तीसरा है कलेक्शन नंबर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास नंबर क्या होता है। क्लास नंबर एक प्रकार से हम कहते हैं वर्गांक होता है, इसलिए हिंदी में हम लोग वर्गांक बोलते हैं। वर्गांक नंबर वर्गांक संख्या बोलते हैं और इसे हम ग्रंथांक संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लास नंबर क्या होता है। तो क्लास नंबर एक तरह से क्लासिफाई करते हैं किताबों को हम। और पहले एग्जांपल से बात करते हैं कि क्लास नंबर जनरली हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। अगर हम बात करें अपनी सोसाइटी की भी, तो हमारी सोसाइटी में भी बहुत डिफरेंट टाइप की क्लासेस होती हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी डिफरेंट टाइप की क्लासेस हैं। अगर हम बात करें शॉपिंग मॉल्स की, तो शॉपिंग मॉल्स में भी अलग अलग जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होती हैं, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड होती हैं। जैसे कि हमारा जो ग्रोसरीज का आइटम होता है वो अलग कैटेगरीज में रखा होता है। अगर बात करें मेंस वेयर्स का, किड वेयर्स का, अलग अलग सेक्शन डिवाइड होता है, जिससे कि हम आसानी से अगर हमें मेंस वेयर के आइटम चाहिए होंगे तो हम उसमें जाकर आसानी से अपने डायरेक्ट उस आइटम तक पहुंच सकते हैं। तो सेम चीज़ें हमारे डे टू डे मतलब लाइब्रेरी में भी लागू होती है और हम भी अपनी जो लाइब्रेरीज की बुक को क्लासीफाई करते हैं सब्जेक्ट ऑर्डर में। तो इसका भी रीज़न है कि हम सब्जेक्ट ऑर्डर में ही क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सब्जेक्ट कैटेगरीज में डिवाइड है, इसलिए हमारे जो लाइब्रेरी साइज में जो सब्जेक्ट्स हैं जो क्लासीफाई है क्लासीफिकेशन है वो हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो लाइब्रेरी सिस्टम है वो सब्जेक्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और जो नंबर जनरेट होके आता है उसे हम क्लास नंबर कहते हैं। और क्लास नंबर की बात करें तो क्लास नंबर हम कैसे देते हैं, तो हमारे पास कुछ सिस्टम्स हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसके माध्यम से हम लोग मतलब सिस्टम जो कॉल नंबर है वो बनाते हैं। तो कुछ सिस्टम हैं जैसे कि हम बताते हैं अभी कौन कौन से सिस्टम है क्लास नंबर में क्लासिफिकेशन स्कीम्स के लिए। तो हमारे लाइब्रेरी साइंस में जनरली 4 टाइप्स के हम लोग क्लासिफिकेशन स्कीम्स यूज़ कर रहे हैं। पहला DDC, हम लोग DDC का यूज कर रहे हैं, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है बाय मेलविल डेवी। और सेकेंड है CC यानी कोलन क्लासिफिकेशन बाय SR रंगनाथन सर। और थर्ड है UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये हम अगले में पढ़ेंगे। और ये चौथा है लाइब्रेरी कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये 4 जनरली यूज हो रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे DDC और CC के बारे में। तो जो कि अगर बात करें हमारे जो मतलब इंडियन लाइब्रेरीज या फिर बाहर की लाइब्रेरीज में, तो ज़्यादातर क्लासिफिकेशन नंबर बनाने के लिए DDC का प्रयोग कर रहे हैं। जो DDC कुछ मतलब DDC जो हमारा डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, तो उसमें हमारा जो मेन क्लासेस हैं जितने भी सब्जेक्ट्स की वो 10 मेन क्लासेस में डिवाइड की गई है। और 10 मेन क्लासेस के बाद भी उसे सब कैटेगराइज
100 मेन क्लासेस में किया गया है। तो इसके माध्यम से हम लोग कॉल नंबर निकालते हैं और कॉल नंबर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है, कुछ डिजिट में होती है, कुछ इसके बाद जो SH 233 आपको दिख रही बुक नंबर है। तो ये कॉल नंबर का एक मतलब एक कृत्रिम रूप है जो आपके सामने है। तो इस तरह से कॉल नंबर निकलता है, लेकिन बात आती है कि कॉल नंबर ही के सफिशियंट है, सॉरी क्लास नंबर सफिशियंट है, क्योंकि एक किताब की कई मतलब एक क्लास में कई किताबें हो सकती हैं। सपोज इट अगर हम बात करें लाइब्रेरी साइंस की, तो जो 025.31 है तो उस क्लास में कई किताबें हो सकती हैं। तो हमें अगर किसी पर्टिकुलर ऑथर की किताब चाहिए तो हमें इसे सब कैटेगराइज करना पड़ेगा। इसके बाद तभी हमें ये बुक नंबर की नीड पड़ती है। बुक नंबर की नीड हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम क्लासेस एक क्लास से कई किताबें हो सकती हैं, इसीलिए हमें फर्दर सब कैटेगराइज करने के लिए बुक नंबर की नीड पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे हम बुक नंबर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बुक नंबर से हम सब कैटेगराइज कर सकते हैं और आसानी से और भी कम समय में किताब को सर्च कर सकते हैं। सपोज इट अगर हमारी लाइब्रेरी में कोई यूजर आता है और हमारी मतलब वो RS अग्रवाल की किताब मांगता है, मैथ्स की RS अग्रवाल की किताब मांगता है, तो हमें पता है कि मैथ्स की किताब मैथ्स का एक क्लास नंबर है और मैथ्स किताब इस पर्टिकुलर रैक में रखी हुई है मैथ्स की किताब, लेकिन हमें उस पर्टिकुलर ऑथर की किताब चाहिए, तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे उसे? तो हम बुक नंबर से जाएंगे। बुक नंबर से हमें मालूम चल जाएगा कि ये किताब इस रैक में यहाँ पे रखी हुई है, तो उस डायरेक्टली बुक नंबर से हम टाइम को सेव कर सकते हैं। तो बुक नंबर हम बताते हैं कि बुक नंबर क्या होता है। जैसे कि बताया हमने ग्राम ग्रंथांक संख्या बुक नंबर कहलाती है, और बुक नंबर को देने का रीजन भी मैंने बताया कि बुक नंबर हमारे टाइम को सेव करता है, क्योंकि एक क्लास में कई बुक्स हो सकती हैं और इस तरह से हम अगर बात करें क्लास के ऑर्डर में सर्च करते हैं तो टाइम थोड़ा सा हमारा ज़्यादा लगेगा, अगर बुक नंबर है तो कम टाइम में बुक को सर्च कर सकते हैं। तो ये उसका रोल होता है, बुक नंबर के माध्यम से टाइम को सेव कर सकते हैं। और बुक नंबर जो देते हैं हम लाइब्रेरी साइंस में, उसके भी कई तरीके होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं बुक नंबर के तरीके होगी कि कौन कौन से तरीके से हम बुक नंबर दे सकते हैं। तो पहला है कटर टेबल, सी कटर टेबल। कटर टेबल सी कटर द्वारा दी गई टेबल होती है, जिसमें कि अल्फाबेटिकल और सॉरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होता है, और इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट के फॉर्म में कुछ ऑथर्स के नाम दिए होते हैं, साथ साथ उसके डिजिट भी। जैसे कि ये ऑथर का नाम दिया है, मान लिया रंगनाथन सर का ऑथर नाम है रंगनाथन। तो ये सीक्वेंस में एट मतलब अल्फाबेटिकल और कॉन्सोनेंट फॉर्म में दिए होते हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए होते हैं मतलब डिजिट, सॉरी 233 इस ऐसे कुछ मतलब ऐसे कुछ यहाँ पे डिजिट दिए होते हैं, 3 3 इस तरह से कुछ डिजिट होते हैं। तो हमें जनरली क्या करना होता है कि जहाँ तक ऑथर का नाम मिल रहा है, जैसे सपोज इट रंगनाथन का हमें सर्च करना है, तो यहाँ हमें ये पूरा मिल रहा है तो हम पूरा ले लेंगे और ये पूरा नंबर ले लेंगे, तो हमारा जो बुक नंबर है वो पूरा आ जाएगा। जब ये पूरा हमने ले लिया और ये 233 ये पूरा उस समय ये हमारा बुक नंबर बन गया। तो ये बुक नंबर हम कटर टेबल के माध्यम से बनाते हैं। और यही अगर हमारा ये तो हमने कॉन्सोनेंट के माध्यम से समझा था, अभी अगर हमारा वॉवल के माध्यम से है तो इस तरह से एंजल और इस तरह से बहुत सारे ऑथर्स के नाम होते हैं, तो इस तरह के यहाँ पे नंबर्स होते हैं, इस तरह से कुछ नंबर्स होते हैं 4 4 4, तो उसको हम लोग ले लेते हैं। जनरली दो हम लोग वॉवल में मिनिमम दो नंबर हमें दो लेटर्स हमें लेने पड़ते हैं, मिनिमम 2 लेटर्स लेते हैं और यहाँ पर ये पूरा उसका डिजिट ले लेते हैं। तो ये कटर मतलब कटर नंबर बनाने का तरीका था, कटर टेबल के माध्यम से हम बुक नंबर कैसे निकालते हैं। तो एक कटर टेबल के माध्यम से हम बुक नंबर कैसे निकालते हैं ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि दूसरा तरीका क्या है बुक नंबर निकालने का। तो ऐसा रंगनाथन सर द्वारा एक बुक नंबर फॉर्मूला बुक दिया गया है, और जिसे हम 8 तत्वों से रिप्रेजेंट करते हैं। वो 8 तत्व इस प्रकार से हैं, एल एफ वाई
तो ये आठ तत्व हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ तत्व हैं। और इसमें सिंबल्स का यूज़ ये करते हैं हम लोग, इसका यूज़ करते हैं और इसका हम लोग ये ऐसे करते हैं और यहाँ पे ये लोग इस तरह सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आठ तत्व तो कुछ ये थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, जिसे हम बुक नंबर फार्मूला कहते हैं। और इस बुक नंबर फार्मूला के माध्यम से भी हम कॉल बुक नंबर निकालते हैं। तो इसमें सबसे बात ये बात करें तो ये लैंग्वेज का नंबर है, मतलब लैंग्वेज के आधार पे हम लोग बुक नंबर देते हैं। लैंग्वेज नंबर, सॉरी, लैंग्वेज है। और ये फॉर्म नंबर, फॉर्म नंबर से बात करें तो फॉर्म नंबर कहलाता है जैसे कि किस फॉर्म में किताब अवेलेबल है, जैसे कि पोएट्री है, प्रोज है, या फिर कोई नॉवेल है। तो ये सारी चीज़ें फॉर्म नंबर कहलाते हैं। ईयर नंबर, ईयर नंबर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, या फिर ईयर ऑफ ऑथर के नाम से भी हम बुक नंबर बना सकते हैं। ये फिर एक्सेशन नंबर के बारे में, एक्सेशन नंबर के माध्यम से भी बना सकते हैं। वॉल्यूम नंबर था ये, वॉल्यूम नंबर, ये वॉल्यूम नंबर नहीं, लाइब्रेरीज में ही यूज होता है। एक ही प्रकार की लाइब्रेरीज हैं तो वहाँ पे एक किताब की कई कॉपीज होती हैं, कई वॉल्यूम्स होते हैं, तो उस केस में हम लोग वॉल्यूम के माध्यम से बुक नंबर दे सकते हैं। और ये सप्लीमेंट्री है, मतलब कि पूरा कई कई एक किताब की कई मतलब सप्लीमेंट्री बुक्स होती हैं या फिर उसके वॉल्यूम्स होते हैं, तो ये सप्लीमेंट्री है। और ये कॉपीज, कॉपी नंबर के माध्यम से होता है। और एक क्रिटिस में यानी कि समीक्षा के फॉर्म्स में भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे कि ईयर के माध्यम से बताया था कि ईयर के माध्यम से हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आप इस कोलन क्लासिफिकेशन की किताब है ये, सिक्स एडिशन। तो आप यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल टेबल आपको दिखाई देगी, क्रोनोलॉजिकल टेबल फॉर बुक नंबर 1.13 पेज पे आप देख सकते हैं। तो इसमें एक टेबल है, इसमें कि मतलब ईयर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया है। तो इस ऑर्डर से भी हम इसको जो हमारा ईयर है, ईयर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये जो टेबल है क्रोनोलॉजिकल टेबल की, तो अगर बात करें 1908 है उसका सीरियल नंबर, तो हमें 1900 नहीं लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। 1900 की जगह हम लोग केवल डी लिख देंगे और 08 लिख देंगे, तो वो उस पर्टिकुलर ईयर को रिप्रेजेंट कर देगा कि ये 1908 की किताब है। तो इस तरह से हम बुक नंबर, एज अ बुक नंबर हम उसके पब्लिकेशन ईयर से भी दे सकते हैं। ये एक तरीका है। और एक तरीका और भी है बुक नंबर का देने का, जैसे कि अगर बात करें मतलब ऑथर से कैसे दे सकते हैं। तो रंगनाथन सर ने एक तरीका दिया था, एक और तरीका इसी में ही वो तरीका है कि जो ऑथर के सरनेम, जैसे मान लिया कि आर एस अग्रवाल है, तो जो सरनेम है, सरनेम को थ्री लेटर से हम लेते हैं, सरनेम का थ्री लेटर लेंगे, वो भी कैप में, कैप्सल कैप्स में, ए जी आर। और जो सब हम लोग ये इसके माध्यम से हम लोग उसको बुक नंबर, मतलब बुक नंबर देंगे। और ये हमारा जो ये बुक नंबर बन गया। और अगर हमें कुछ सब्जेक्ट से बनाना है तो यहाँ हमने मैथ्स की, हमारी जैसे लाइब्रेरी साइंस की, तो यहाँ पे 233 दे दिया। तो ये रंगनाथन के फॉर्मूला द्वारा बनाया गया बुक नंबर कहलाता है, AGR 233। तो ये बुक नंबर के बारे में था कि बुक नंबर को कैसे बनाते हैं। हमने दो तरीके से समझाया कि बुक नंबर दो तरीके से बनाते हैं, एक तो कटर टेबल द्वारा और एक बुक नंबर फॉर्मूला जो कि एस आर रंगनाथन सर द्वारा दिया गया है। अब हम लास्ट में डिस्कस करते हैं संग्राहक संख्या क्या होती है। संग्राहक संख्या यानी कि कलेक्शन नंबर। कलेक्शन नंबर क्या होता है? कलेक्शन नंबर कह सकते हैं हम कि लाइब्रेरीज में हमारी जो किताबें होती हैं, पहले तो ये बताओ कि कलेक्शन नंबर कहाँ कहाँ जरूरत होती है कलेक्शन की, कलेक्शन नंबर की। तो कलेक्शन नंबर जनरली जो बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं उनमें जरूरत पड़ती है कलेक्शन नंबर की, क्योंकि वहाँ पे बहुत वैरायटीज की किताबें होती हैं। वहाँ पे सीडीज का भी कलेक्शन होता है, ठीक है, वहाँ पे रेफरेंस कलेक्शन भी होता है, रेफरेंस सेशन का भी होता है, वहाँ पे मैप्स भी होते हैं, ठीक है।
माइक्रो एंड मैक्रो फॉर्म्स होते हैं रेप्रोग्राफिक सेक्शन में, क्योंकि वहाँ पर और जो पम्फलेट्स भी होते हैं, पम्फलेट्स भी होते हैं, तो बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप के कलेक्शंस होते हैं ना, तो उनको अलग अलग रैक्स में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम एक तरीके से रख देते हैं तो किताबें भी ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि एक टाइप का कलेक्शन हम एक ही साथ रखते हैं तो वो काफ़ी समय तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ वो काफ़ी समय तक सही तरीके से रह सकता है और प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज भी रहता है, इसीलिए हम लोग कलेक्शन नंबर का यूज़ करते हैं। और कलेक्शन नंबर से एक फ़ायदा ये भी होता है कि कलेक्शन नंबर से एक टाइप के यूजर्स को एक जगह उसकी नीड की ज़रूरत की किताबें मिल जाती हैं, तो एक ये भी फ़ायदा होता है। और साथ ही साथ कलेक्शन नंबर से हम मतलब एक साथ किताबें रखी रहती हैं तो हमें मतलब पिक आउट चूज़ करने में आसानी होती है, साथ ही साथ किताबों की जो हमारी ड्यूरेबिलिटी होती है, जो उसकी लाइफ होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसलिए हम लोग कलेक्शन नंबर का यूज़ करते हैं। और कलेक्शन नंबर जो होते हैं वो जनरली हम लोग किताबों को ऊपर देते हैं, मतलब कॉल नंबर के ऊपर, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कॉल नंबर है हमारा 5.31 और ये इसका बुक नंबर हो गया SH 233 और यहाँ पे हम लोग जो जनरली देते हैं कलेक्शन नंबर देते हैं, सपोज दैट रेफरेंस सेक्शन की किताब है तो हम लोग R कर देंगे रेफरेंस सेक्शन का, और अगर हम बात करें टेक्स्ट सेक्शन की किताबें, टेक्स्ट बुक सेक्शन की, तो वहाँ पे हम लोग TT कर देते हैं। और अगर हमें बात करनी है कि रीडिंग एरिया की किताबें हैं तो हम लोग RR कर देते हैं। तो इस नंबर से हमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो पहली बात हमें किताबों को रखने में आसानी होती है, और साथ में अगर किताबें रिटर्न होकर वापस आती हैं तो भी हम इस नंबर से ये मालूम चल जाता है कि हाँ इसे पर्टिकुलर इस सेक्शन में रखना है, और उस सेक्शन में हम आसानी से रख सकते हैं, मतलब तो सेग्रीगेट करने में, अलग करने में आसानी होती है। और इसका एक बड़ा रोल होता है कि मतलब हम एक टाइप के यूजर्स को एक जगह उनकी मतलब ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं, तो ये इसका रोल होता है। और इस तरह से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने अगर रेफरेंस सेक्शन की किताबें तो RR कर देते हैं, अगर टेक्स्ट बुक सेक्शन की है तो TT कर देते हैं, और अगर रीडिंग एरिया की है तो RR कर देते हैं, और अगर हमारा CD का सेक्शन है तो CD कर देंगे, और हमारा किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की है कि सपोज हमारे जो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज होती हैं तो उसे भी हम लोग कभी भी अलग कर देते हैं, सेक्शन डिवाइड करते हैं कि हाँ वहाँ पर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स की किताबें रखी हैं, या फिर हमारे किसी फैकल्टीज़ की कुछ पर्टिकुलर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ अलग बुक्स होती हैं, तो हम उनका भी एक अलग सेक्शन बना देते हैं, तो उनको हम लोग टीचर सेक्शन भी कह सकते हैं कि टीचर्स TECH कर दिया हमने शॉर्ट में, या फिर हमने बोल दिया कि फिजिक्स का है तो फिजिक्स का कर दिया, या फिर मतलब इस तरह से हम अलग अलग एक नंबर दे सकते हैं कलेक्शन नंबर, और इसको जनरली हम लोग ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर थोड़े से सिंबल्स के रूप में। तो ये कलेक्शन नंबर के बारे में था, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कॉल नंबर और साथ में इसके एलिमेंट्स के बारे में। कॉल नंबर सबसे पहले डिस्कस किया हमने, फिर उसके बाद में क्लास नंबर डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने बुक नंबर डिस्कस किया, और उसके बाद में हम लास्ट में कलेक्शन नंबर पे आए। तो मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ कि कॉल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उनका क्या क्या मतलब इन ब्रीफ में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमने सबसे पहले डिस्कस की थी कॉल नंबर क्या होता है, तो कॉल नंबर में जनरली तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है क्लास नंबर, दूसरा है बुक नंबर, और तीसरा है कलेक्शन। तो हमने क्लास नंबर बताया था क्योंकि क्लास नंबर एक मतलब सब्जेक्ट ऑर्डर में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, और उससे हमें एक तरह की सब्जेक्ट किताबों को एक तरह रखने का तरीका मिल जाता है, और इसको हम लोग DDC और CC का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर इसको मतलब क्लास नंबर निकालने के लिए DDC और CC का स्कीम्स का यूज़ करते हैं। और अगर हमें सब कैटेगराइज करना है जैसे बुक नंबर पे जाते हैं ये रंगनाथन सर द्वारा दिया गया बुक नंबर फॉर्मूला है, और दूसरा हम लोग निकालते हैं जो बुक नंबर तरीका है निकालने का वो कटर टेबल से निकालते हैं।
तो दो तरीकों द्वारा हम लोग नंबर निकालते हैं। और तीसरा हमने बात की थी कलेक्शन नंबर की, तो कलेक्शन नंबर हम लोग मतलब उसके जो हमारा किस टाइप का मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको देते हैं। जैसे रेफरेंस सेक्शन की किताबें हैं तो हम लोग RR देते हैं, अगर हमारा टेक्स्ट बुक सेक्शन है तो हम लोग TT देते हैं, अगर हमारा CD का मटेरियल है तो हम लोग CD देते हैं। और यही हमारा अगर मतलब हमारा किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है तो हम लोग उसका डिपार्टमेंट का नाम या फिर उसके सिंबल दे सकते हैं डिपार्टमेंट के, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी तरह से हम लोग उसको मतलब कैटेगराइज करते हैं। और जनरली कॉल नंबर के ऊपर लिखा होता है, जैसे हमारा एक कॉल नंबर है 255 कुछ इस तरह का कॉल नंबर है, तो इस पर जो हम लोग कलेक्शन नंबर देंगे वो ऊपर लिखा होता है और जो हमारा बुक नंबर है वो इसके नीचे लिखा होता है। तो बस इतना ध्यान रखना होता है, ये हमारा पूरा ये कॉल नंबर बन गया और ये हमारा इसमें कलेक्शन नंबर हो गया और ये हमारा कहलाएगा, ये हमारा क्लास नंबर होता है और ये हमारा बुक नंबर। तो ये पूरा हमने आज डिस्कस किया कि कॉल नंबर क्या होता है और कॉल नंबर कौन कौन से एलिमेंट से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉल नंबर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे और उससे नंबर कैसे निकालेंगे।